उत्तराखंड के रुद्रपुर में भूतपूर्व सैनिक दिल्ली के जिलाध्यक्ष रिटायर्ड सूबेदार खड़क सिंह कार्की ने एकता कपूर द्वारा वेब सीरीज में सेना के खिलाफ गलत दृश्यों को लेकर ऐतराज जताया और उन्होंने कहा कि भूतपूर्व सैनिक संगठन इसकी कड़ी निंदा करता है। हमारी संस्था राष्ट्रपति को ज्ञापन भेजने के बाद दिनेशपुर में एकता कपूर के खिलाफ तहरीर देगी और एक जनहित याचिका भी नैनीताल हाई कोर्ट में डाली जाएगी। और उन्होंने ये भी कहा कि एकता कपूर ने जो काम किया है वो अपनी फिल्मों तक और सीरियलों तक ही सीमित रखे, लेकिन भारतीय सेना जो विश्व की सबसे विश्वस्त सेना मानी जाती है, उसके पारिवारिक जीवन पर एकता कपूर द्वारा बनाए गए सीरियल की हम निंदा करने और भारत सरकार से इस पर रोक लगाने की मांग करते हैं। एकता कपूर ने जो ये अपना बनाया है फिल्म के माध्यम से मीडिया में जाकर के, जो भारतीय सेना के अधिकारियों का, ये कर्नल रैंक के अधिकारी का यूनिफॉर्म पहन करके, किसी डॉक्टर को, किसी आदमी को, गैर आदमी को ड्रेस पहना करके, और उसके साथ में जो इस प्रकार के सेक्सुअल टाइप का उसके अंदर में, ये जो फोटो हमने देखी है उसके अंदर में, ये बहुत शर्मनाक है। मैं समझता हूँ कि ये मेरे देश भारत का संविधान, यहाँ का कानून क्या बोलता है इस विषय पर। राजस्थान में छिपा बड़ौद के सार्थ कस्बे में गंदे पानी की निकासी न होने से, जल भराव होने से काफी गंदगी फैल चुकी है। कोरोना महामारी से जहां प्रशासन द्वारा स्वच्छता पर ज्यादा जोर दिया जा रहा है, वहीं सारथल कस्बे के बसेड़ा मोहल्ले के लोग कीचड़ और गंदे पानी प्रदूषण में जीवन यापन करने को मजबूर हैं। कस्बे के मुख्य मार्ग अस्पताल रोड पर बसेड़ा मोहल्ले में रास्ते पर फैला गंदा पानी और कीचड़, जहां मलेरिया और डेंगू जैसी जानलेवा बीमारियों की वजह बन सकता है, जिस कारण कस्बे से गुजरने वाले बिलंडी मार्ग पर मोहल्ले का गंदा पानी निकालने के लिए नालियां नहीं होना और बरसों पूर्व बना खरंजे वाला रास्ता जगह जगह से उखड़ा होने से यहां पानी ज्यादा इकट्ठा हो जाता है। एक और इसी रास्ते पर सरकारी अस्पताल, अटल सेवा केंद्र और कस्बे का मुख्य बाजार भी है, तो दूसरी ओर मवेशी अस्पताल, पुलिस थाना, मंडल स्कूल, मदरसा स्कूल, बालिका विद्यालय भी है, लेकिन फिर भी पिछले 5 सालों से ऐसी ही स्थिति है। मोहल्ले में विकास को लेकर ग्राम पंचायत से लेकर विकास अधिकारी और सरकारी पोर्टल नंबर तक 181 नंबर पर भी शिकायत दर्ज करवाई गई, लेकिन अभी तक कोई भी सुनवाई नहीं हुई है। बिहार में सीएम नीतीश कुमार द्वारा बिहार के गरीबों और श्रमिकों को गाली देने और उन्हें अपराधी बताने वाली चिट्ठी के होर्डिंग को पटना में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने स्वयं लगाया और उन्होंने सभी कार्यकर्ताओं से आह्वान भी किया कि श्रमिकों का अपमान करने वाली इस निर्दयी सरकार के विरुद्ध हर गली, मोहल्ले, टोले, पंचायत, प्रखंड और जिला स्तर पर ये चिट्ठी के बैनर, पोस्टर और होर्डिंग लगाकर नीतीश कुमार और सुशील मोदी की गरीबों के प्रति घृणित सोच को उजागर करें। पंजाब में अमृतसर के ग्वाल मंडी में एक महिला को बांधने का मामला सामने आया है। महिला को किसी और ने नहीं बल्कि उसी के परिजनों ने बांधा था, जहां पुलिस और समाज सेवी संस्था ने जाकर महिला को जंजीरों से छुड़वाया, जिसके बाद जांच में सामने आया कि महिला का नाम शशि है और उसकी उम्र 36 साल है और वो एक शख्स से प्रेम करती थी, जिस वजह से परिजनों को डर था कि कहीं शशि उस शख्स के साथ भागकर शादी ना कर ले। महिला और उसके प्रेमी दोनों की ही अभी शादी नहीं हुई है। शशि के परिजन इस शादी के खिलाफ थे, इसीलिए उन्होंने पिछले 7 दिनों से महिला को घर में जंजीरों से बांध दिया। फिलहाल पुलिस ने मामले की जाँच शुरू कर दी। शशि नाम की लड़की है, ग्वाल मंडी की रहने वाली है, तो सानू कुछ एनजीओ वाले इनफॉर्मेशन आई भी इन्हों ना मेरे घर वाले ने बन के रखा से, तो असी साड़ी पुलिस पार्टी मौके पर गई तो इनू अपना थाने लैन दें, तो उसको पूछगिछ की गई, जिन्हें दसिया भी अपना विह करवा चाहती सी, परंतु ये घर वाले मन नहीं सी रहे, करके इस बन के रखा। 2 अक्टूबर 2019 को पीएम मोदी ने सिंगल यूज प्लास्टिक को पूरी तरह बैन कर दिया था और उसी का बड़ा असर रेवाड़ी में रहने वाले 2 छात्रों पर पड़ा। बता दें कि रेवाड़ी के मोहल्ला विकास नगर निवासी 12वीं कक्षा की छात्रा नंदिनी और 9वीं कक्षा में पढ़ने वाले छात्र हर्ष ने करीब 2 वर्ष पहले से ही पॉलिथीन का इस्तेमाल न करने के लिए लोगों को कपड़े के थैलों का प्रयोग करने के लिए जागरूक किया था और तब से वो अब तक यही काम कर रहे हैं। आपको बता दें कि ये दोनों बच्चे स्कूल के बाद जो समय खेलने के लिए मिलता था, उस समय में ये बच्चे कपड़े के थैले बनाते थे। जो जेब खर्च इन बच्चों को मिलता था, उसी से वो थैले बनाने के लिए कपड़ा बाजार से खरीदते थे। अब तक ये बच्चे हजारों थैले बनाकर लोगों को निशुल्क भेंट कर चुके हैं।
लॉकडाउन में भी नंदिनी और हर्ष ने घर पर ही रहकर कपड़े के हजारों थैले बनाए हैं। साथ ही उन्होंने कोरोना से लड़ने के लिए मास्क भी तैयार कर लोगों को बांटे। इतने दिनों से सर लॉकडाउन चल रहा है तो हम लोगों ने भी सोचा कि लॉकडाउन का क्यों ना फ़ायदा उठाना चाहिए। तो जैसा कि हम लोगों ने अपना प्लास्टिक मुक्त अभियान शुरू कर रखा है काफ़ी सालों से, तो उसी को हमने आगे बढ़ाते हुए जब हम स्कूल जाते थे तो हमारे पास बहुत ही कम समय होता था अपने इस अभियान की तरफ, मतलब अपने एफर्ट्स डालने के लिए हमारे पास कम समय होता था, लेकिन अब हमारे पास पर्याप्त समय है तो हम लोगों ने उस समय का सदुपयोग किया और हम लोगों ने और थैले बनाना शुरू कर दिया। हमने लॉकडाउन के समय में हमें पर्याप्त समय मिला है। हम लॉकडाउन के दौरान हमने बहुत ज़्यादा मास्क और थैले बनाए हैं। जब हम स्कूल में जाते थे तब हमें इतना पर्याप्त समय नहीं मिल पाया था, अब हमने समय का सदुपयोग करा और मास्क बनाना शुरू कर दिया है। पंजाब में अमृतसर के किशनकोट के नीबी आबादी की गली नंबर 5 में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां विक्की नाम का युवक जो कि अपाहिज था, इसकी उम्र 22 से 23 साल बताई जा रही है, उसका कत्ल कर उसे हादसे का रूप देने की कोशिश की गई। वहीं मृतक विक्की के परिजनों के मुताबिक विक्की घर में अकेला ही रहता था, जिसका फायदा उठाकर उसका कत्ल करने के बाद घर को ही आग लगा दी गई। अंदर एक बोतल शराब की पड़ी हुई थी और विक्की का खून भी पड़ा हुआ था, जिससे ये साबित होता है कि कुछ लोगों द्वारा उसका कत्ल किया गया और फिर घर को आग लगा दी गई। पुलिस ने मामला दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी है। पुलिस के मुताबिक भी विक्की का कत्ल किया गया है, जिसको हादसे का रूप देने की कोशिश की गई है। रमेश कुमार ही नाम का लड़का, उम्र 33 साल थी, ये बाप का नाम थी नैत कुमार। ये दिन इतने मर्डर होया, संबंध से आए तफ्तीश करते हैं, वेरीफाई करते हैं की होया। मेरे भरा ने किसी ने मारता वा, किसी ने अंदर पहला उन्हें शराब पीती है, शराब पी के मुड़ के इन्हें मार कुटाई की, और को पैसे खिंचे है, और को मोबाइल ही वड्डा मोबाइल का पता नहीं को लै गए खो के की किया वा, मुड़ के उन्हें मारे वा तो खून के ठब्बे पैरों से लगे, एक इंज पब चुक के तुरदा हो, एक पैर थले लगता एक पब ना तुरदा वा, उसके पब के निशान उसके पैर उन्होंने मतलब बाहर आने लगा, उन्होंने धू के उन्होंने पिछले कमरे से खड़िया वा, पिछले कमरे से खड़ के फिर उन्होंने अग ला दी है, उन्होंने अपना सबूत मिटाता वा कि साडा सबूत ना निकले भी अपने लोग खत्म करता काम, इन्हना नहीं पता भी जड़े मगर बैठे ने वह लभणगे नहीं, वह तो पता जो बंदा लभ लेंदे तो की चीज़ हो।